तो इसको पहली बार जब मैंने देखा था ना, मैं तब पागल हो गई थी। अरे भाई मेरी चीख निकल गई। तभी हाशमी कॉमेडियन प्लस रोस्टर भी मैं इनको कहूँगा, क्योंकि अपने गेस्ट को ही भाई रोस्ट मार देते हैं जो भी इनके शो में आता है। अब इनसे रिलेटेड एक वीडियो आया है जो कि बक्कर ब्रो ने बनाया है, उनके चैनल पर आया है, तो देखते हैं वीडियो कैसा है और देखते हैं भाई इनके शो में आजकल कौन नए गेस्ट आ रहे हैं, देखते हैं हबीब को। कैसी है आनंद, जितनी तेजी से आप चल के आ रही, ऐसा लगता दिल्ली जा रहा है। मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं। देख रहे हैं आप, आप पे नहीं, नहीं मुझ पे क्यों गिरेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहती मैं इतना बोझ उठा भी नहीं सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हैंड टू हैंड मार देते, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। बक्कर ब्रो भाई सब्सक्राइब करना। हेलो भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम है ठंडी ठंडी चावलों में। देख रहे हो ना आप लोग, मैं रेगुलर हो गया हूँ, दूसरा दिन है दूसरी वीडियो, मतलब कि पूरी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर हो गया हूँ। आपने पता क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे पता लगे मैं तो रेगुलर हो गया हूँ, ऑडियंस भी रेगुलर है, समझ रहे हो ना बात। सब्सक्राइब कर लेना, सही है। आज हम लोग जायजा लेने वाले हैं ताबिश पायन के स्वैग वाले मोमेंट्स का, जिसमें वो अपने गेस्ट को बिठाते हैं और फिर उसको बैठने के काबिल नहीं छोड़ते। ये बात तो ऐसा ही रोस्ट मारते हो, सही बात है। तो इसलिए भाई लोग सीट बेल्ट टाइट कर लो, बच्चे अपनी चोले में कर लो और आज वो वीडियो की कमाल की स्टार्ट करते हैं। मैं पहला काम पहले ही कर लेना चाहता हूँ, इतनी दूर दूर से ये ऑडियंस आई है मुझे देखने के लिए। यार ये पीछे जब म्यूजिक लगाते हैं ना बेचारे का मुंह बिल्कुल पता नहीं, ये इसमें एग्जैक्टली ये सीन नहीं होगा, लेकिन फिर से जब ये मुंह लगाती है ना वो ऐसे वाक थ्रू द वार, बेचारी ऐसे लग रही है जैसे इससे मजलूम कोई दुनिया में है। बिस्ती तो ऐसे हो गई है लेकिन फिर भी वैसे उसको फील नहीं हुई होगी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब मुझे पता चला कि मैं आपके शो में आ रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे खुशी से नींद। यार ये छोड़ो, ये साथ वाली का मुंह देखा। साथ वाली ऐसे नहीं लग रहा जैसे पुराने जमाने की कोई, पुराने जमाने में आने वाली फिल्मों में यार कोई क्या कहते हैं विलन का किरदार करने वाली हो, सासू माँ होती थी। देखो यार कितने खतरनाक तरीके से, बाकी हम इसकी बात सुनते हैं भी नहीं आ रही थी। अरे वाह, मुकद्दर ड्रामा जब मैं देखती थी तो मैं आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। अब आप मुझे बताएं उस वक्त आपको नींद आती थी जब आप देखते 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 आ जाती थी। ये पूछना था कि आप इतना फेमस होने के बाद भी आप डिग्रियां क्यों ले रही हैं? अब ये बहुत अजीब सी बात है वैसे। इतना मशहूर होने के बाद आपने डिग्री? तो मैं इतनी मशहूर नहीं, थैंक यू सो मच। ये मत बोले कि आप मशहूर नहीं, ये मत बोले, क्योंकि लोग फिर हमें कहते हैं यार मशहूर लोग बुलाए करो। ये गलत बात है यार, अगर आप मशहूर नहीं हो तो आप क्यों आई हो, है फिर नहीं देना आना चाहिए है वो शो, जरा मशहूर बंदों के लिए आपको नहीं तो आना चाहिए, समझ रही हो ना। अगर तो आप मशहूर नहीं भी हो फिर भी आप अगर शो पे आ गए तो आपको कहो आई एम द फेमस पर्सन, आई एम द मतलब कि मुझसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं। वैसे एक चीज़ मुझे भी यहाँ पे आप लोगों से पूछना है कि भाई तबीश हाशमी जिस तरह से सेलिब्रिटियों को रोस्ट करते हैं, वो इतनी मतलब उनके पास लिबर्टी कहाँ से आई, मतलब इतने गट्स, या फिर उनके सर पे किसी का हाथ है, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही सच में भी बहुत पॉपुलर है जैसे फिर स्क्रिप्टेड। हाँ क्योंकि अपन देखते हैं इंडिया में जैसे बिग बॉस आता है तो भाई सलमान खान किसी को चिल्ला के डांटते हैं, मजाक भी करते हैं, तो गंदा वाले मजाक कर लेते हैं सलमान खान उसके साथ, और वो बंदा कुछ बोल भी नहीं पाता, और हमें भी पता है कि भाई सलमान खान के सामने कुछ नहीं बोल कोई पाएगा, भी कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन यहाँ तो ठीक है, शो तो ठीक है, लेकिन कहीं और शो में भी कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता क्या है? तबीश के साथ ऐसे ही कुछ सीन है, क्योंकि तबीश हाशमी को मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ भी ऐसे मस्ती करते हुए देखा। खैर इनको जवाब भी मिले, हमने शायद जवाब वाले वीडियोज भी देखे तबीश हाशमी को शायद। हाँ कई लोग जवाब भी देते हैं, आपने आपकी किसी ने जवाब भी दिया, हमने वो वीडियो एक वो फवाद खान के इंटरव्यू पे देखा था जिसमें उन्होंने ऐसे फिंगर विंगर भी दिखा दी थी, थोड़ा डरा डरू दिया था, मतलब वो भी था। और एक फवाद खान नहीं, वो उन फवाद नहीं थे, वो थे वो खुदा और मोहब्बत वाले हीरो फिरोज खान फिरोज खान ने मतलब उल्टा रोस्ट कर दिया था, उल्टा डरा दिया था उनके सामने वाले को पूरा, तो वो कभी कभी भारी भी पड़ जाता सामने वाला, तो बराबर वाला मामला मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, खबर ये होना अगले बंदे की भी थोड़ी सी रेपुटेशन इज्जत का सवाल होता है। आहो अब्बू आपका काम आप टीवी पे देखते हैं तो अब्बू क्या मुस्कुराते हैं दिली दिली की है। कह रहे थे अगर इस शो पे तुम कभी गई ना तो फिर मैं मान जाऊंगी। अंकल बात सुने, देखो आप जज नहीं करना, ऐसा नहीं हमारे कोई बुरे दिन चल रहे। Oh yeah.
ऐसा नहीं कि हमारे पूरे दिन चल रही है इसलिए हमने इसको बुला लिया, बस ऐसे ही बुला लिया हो यार, ऐसे ही हो गया, इमोशनल डैमेज हो गया यार। थैंक यू सो मच, आप अपना मनाई में आई, आपके आने की वजह से शो का एक एपिसोड बन गया। मदिया इमाम आफ्टर दिस एपिसोड ये तो उसने मतलब के आते ही मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर के बंदे को मतलब के अंदर के ठड़की को जगाया, बड़ा प्यारा एतराज रहता है कि यार छोटी थी बड़ी थी क्या कहना कहना क्या कहना क्या जाते बताओ तो सही। आपने पहले क्या बताया था क्या चीजें लगानी, अच्छा कोई चीज गैस करा रहा है गैस करा रहा है प्लेसेस में होती पार्कों में होती है चीज, अच्छा जी रखने की चीज है रखने की तशरीफ भी रखते हैं वैसे। अच्छा बेंच पड़ा हुआ है, यार नहीं आ रहा, वाकई नहीं आ रहा समझ मुझे, बाकी का आधा चे चे सही खेल गया बेंच, अब मिला दो दोनों को बेंच यार सब कुछ बता दिया फिर उसने बेंच ये बात हुई सबर करो, लेकिन बेंच में तशरीफ थोड़ी रखते हैं यार। अरे यार ओ मन क्या मतलब बेंच में और क्या आलू रखते हैं यार, ये क्या बात है बेंच में तशरीफ नहीं रखते, बेंच में नहीं तशरीफ रखते आज बात वो कह रहा सर रख के बैठते हैं मैं बताऊँ क्या उसके साथ, उसको पता ही नहीं तशरीफ कहते किसको है। ये हो सकता उसको मतलब वो ना मेजॉरिटी या बंदों की तरह उसके माइंड में ये होगा कि तशरीफ का मतलब होता है बैठना, अलग तशरीफ का मतलब होता है तशरीफ, उसको नहीं पता होगा। वो कौन सी चीज है जो मर्ज, पहली बात तो ये कि 2012 में मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, मैंने इस प्रोफेशन को सीरियस लिया है 2009 में। बारह से नौ में 2012 में शुरू किया और सीरियस पीछे जाके नहीं लिया। Exactly, Roman. यार, उसने मेरे ख्याल से कहना होगा 2019 में लेकर 2009 में सीरियस लिया, भाई यार क्या बात है, ये कौन है, ये लोग है कहाँ से आते हैं, वुमन पहली बार देख के वो जो कहता है 3-2-1 हमारा अपना हादसा निकल जाता है। पागल हो गई मतलब प्यार में पागल हो गई, तुम गलत तरीके से समझ रहे हो ना यार, हाँ ठीक लव मी यू नो आई केयर, वो भाई प्यार में पागल हो गई है, वो 3-2-1 पिल्ले सुन के नहीं पागल हुई, उसका आसा नहीं निकला, वो बस वैसे प्यार में पागल हो गया। ये भी दिन आने थे बहन, वाह क्या बात है यार। पहला सवाल जी खुलो ना, पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है? नवाज शरीफ। पॉलिटिकल बात नहीं करनी, वो भाई सब ऐसे बंदे उड़ते हैं गायब हो जाते हैं ना, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, तालियां बजाने में लगाएंगे पूरी जान, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लाइव लाइव एक्शन। जब ये इंट्रो कैसे हुई मतलब पहले ही मेरे ख्याल से तैयार करके आता है, चार चांद लग गए आपके करियर को हसना मना में आने, ओहो यार ये मतलब कि मैं साहब लगाया कि ना पहले ही पंच लाइने ऐसे तैयार की होती हैं, तीन चार गेस्ट आते ही ना उसके ऊपर फेंक देनी है, उसके ऊपर छोड़ देनी है, ऐसे जो जैसे कुत्ते को पट्टा नहीं बांधना होता पट्टा खोल देना, बस गेस्ट आना उसके ऊपर छोड़ देना यार, हैवी सीन कर देता होता। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है बताओ जी यार, ये शो में सारे ठरकी जाते हैं, कोई ग्राइंड करें
लो थोड़े फाइन खत्म। ओहो भाई लोग बहुत ही हैवी सीन होगा, मैं कह रहा हूँ चांस आ गया यार, मजेदार हैवी सीन कर गया यार ताबिश फाइन आए जस्ट मजा आ गया यार भाई। ताबिश हाशमी जब भी ये शो पे आते हैं और रोस्ट करते हैं ना भाई, मजा आता है देख के। और मेरे को उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है, जिस तरह वो हैंड टू हैंड चिपका देते हैं ना बना के, मुझे लगता नहीं कि वो स्क्रिप्टेड होता हो, मुझे लगता है वो सच में बना के चिपका देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर यार लाइक होता है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है ऐसा, हर ग्रुप में एक बंदा तो होता ही है, एक अपने आप दोस्त के वाले ग्रुप में भी देखोगे ना तो एक बंदा रहता है ग्रुप में जो चिपकाने में बहुत एक्सपर्ट होता है। फ्रेंड्स ग्रुप में जब बड़ा सर्कल होता है वहाँ एक बंदा ऐसा रहता है जो सबकी बात लेता रहता है सच में भी, तो वही चीज़ है, ये वही वाला बंदा है। तो बताना दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।